नमस्कार साथियों, आशा की बगिया चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में आपने बायोचार के लाभ जाने थे, बायोचार को चार्ज कैसे करते हैं यह जाना था। आज हम बायोचार को मिट्टी में कैसे मिलाते हैं यह जानेंगे। साथियों, पिछली वीडियो में जो बायोचार आपने देखा था वह नारियल के छिलके से बनाया गया था। यह वाला लकड़ी से तैयार किया गया है और इसको मैंने पहले ही जीवामृत से चार्ज कर लिया है और ये एकदम से भुरभुरा हो गया है और इसको हम आसानी से खेत में या गमले में हम इसको बहुत आराम से इसको बखेर सकते हैं। साथियों, लकड़ी इसमें जितनी छिद्रालु आप लेंगे उतना ही हमको फायदा ज़्यादा होगा। लकड़ी की व्यवस्था में आप परदेसी बबूल ले सकते हैं, सूखा पेड़ ले सकते हैं और हमें तो कोयले का बुरादा चाहिए। जहाँ मोटा मोटा कोयला प्रयोग होता हो वहाँ निकला अनुपयोगी कोयले के बुरादे को ले सकते हैं। तो साथियों, इस कोयले को मैंने पहले इमाम दस्ता में कूट लिया था, फिर छलनी से छान लिया था। अब यह खेत में मिलाने के लिए तैयार है। अगर साथियों ये थोड़ा पतला लगता है तो इसमें राख मिला लें या बरगद के नीचे की मिट्टी मिला लें। राख इसे ड्राई तो करेगी ही, साथ में पोटास मैग्नीशियम भी देगी। राख के और भी अनेकों फायदे हैं। बरगद की मिट्टी में असंख्य लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। साथियों, बायोचार को मिट्टी में मिलाने से पहले कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे सूखे बायोचार को आप कभी भी मिट्टी में मिला सकते हो, पर चार्ज बायोचार को शाम के वक्त मिट्टी में मिलाना चाहिए, जमीन में नमी रहनी चाहिए आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं बायोचार को भूमि में कैसे मिलाएं। यदि आप छोटे एरिया में बायोचार को मिला रहे हैं तो खुरपी या फावड़े से अच्छे से मिट्टी में नीचे तक मिला दें, और यदि खेत में मिला रहे हो तो बायोचार को फैलाकर हल चला दें। बायोचार को भली भांति मिट्टी में मिल जाना चाहिए। एक हेक्टेयर भूमि में कम से कम 2 टन बायोचार मिलाना चाहिए, अधिक से अधिक 50 टन। जिस खेत में 50 टन बायोचार पहुंच गया उस खेत से 20 इंच तक की बरसात का पानी भूमि पी जाएगी, एक भी बूंद बाहर नहीं आएगा। साथियों, इस तरह की भूमि पर बड़े आराम से असिंचित जंगली खेती की जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें प्रकृति का अध्ययन करना पड़ेगा। खेत में फलदार अथवा अपनी जरूरत के वृक्ष लगाने पड़ेंगे। जंगली खेती को अच्छे से समझने के लिए आप एक तिनके से आई क्रांति किताब पढ़ें, गूगल बाबा को बोलोगे तो PDF मिल जाएगी। साथियों, अब जानते हैं बायोचार से गमला भरना और जंगली पद्धति से बीज उगाना। इसके लिए हमें सामान की जरूरत पड़ेगी, 1 किलो बायोचार, कुछ पत्ते, 3 किलो मिट्टी, नारियल के छिलके, 3 किलो बकरी की मींगनी और 1 पॉट। ये पॉट टूटा हुआ था, इसको मैंने एल्युमिनियम के तार से सही कर लिया है। इसको महिलाएं 6 रुपये 10 रुपये के भाव से कबाड़ी को बेच देती हैं और खुश होती हैं। अब ये गमला हमें कम से कम 500 रुपये की 1 साल में ये सब्जी खिला देगा। इसमें मैंने 2 छेद कर लिए हैं जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। नारियल के छिलकों में जल धारण की अपार क्षमता होती है, तो इसलिए इसको वही लोग यूज करें जिनके यहाँ पे मौसम ड्राई रहता है। हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है और नारियल के छिलके खाद का भी काम करते हैं और जल को अपने अंदर सोख के रखते हैं। ये मिट्टी है, मिट्टी इसको कहना ज़्यादा ठीक नहीं है, ये रेत है और इसमें न तो जल धारण क्षमता है ना ही किसी तरह के इसमें पोषक तत्व हैं। ये पत्ते आपको जितने भी जैसे भी जहाँ से भी जो भी पत्ते मिल जाएं आप उनको इकट्ठा कर लें और लगभग इतने पॉट में ये 100 ग्राम पत्ते होंगे। ऐसे देखने में शायद आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, 100-150 ग्राम ये पत्ते होंगे। इसमें मैंने नीम के पत्ते नहीं लिए हैं, आप ले सकते हो नीम के, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमारा बायोचार फंगल डिजीज के लिए भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करता है। तो साथियों, पहले मैं इस मिट्टी को थोड़ा गीला कर लेती हूँ, फिर इसमें ये बायोचार और इन पत्तों को थोड़ा सा हम इससे ऐसे इस तरह से मसल देंगे जिससे ये थोड़े छोटे हो जाएं, और उसके बाद हम गमला भरते हैं। साथियों, पानी मिलने के बाद और सभी सामग्री मिलने के बाद में ये कुछ इस तरह का होगा। इसको भरते हैं। ये ठीकरियां हैं, इनको हम छेद के ऊपर रख देते हैं।
तो पानी तो निकल जाता है, लेकिन हमारा खाद मिट्टी वो सब नहीं निकलती है। ये इस तरह से हम यहाँ पे छिलके इसमें रख देंगे, नारियल के छिलके नीचे नीचे। ये इस तरह से हमने इसमें नारियल के छिलके लगा लिए, और जिनके यहाँ मौसम ड्राई रहता है वही छिलके डालें नारियल के, वरना आपके पेड़ की जड़ें गल सकती हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा जल धारण की क्षमता होती है। साथियों, आपने कभी सुना होगा कि किसी जंगल में आग लग गई और कुछ दिन बाद वो जंगल फिर से हरा भरा हो उठता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, आदरणीय राजू टाइटस जी के जंगल में कई बार आग लगी है खेत में, और उनके खेत में बहुत ज़्यादा सुबबूल के पेड़ हैं, और कुछ ही टाइम के बाद में उनके यहाँ फिर से फसल लहलहा उठती थी। यह कमाल होता था कोयला की वजह से, यानी बायोचार की वजह से। इसको साथियों थोड़ा ठीक से भर लेना है, क्योंकि साथियों बायोचार में जल धारण की अपार क्षमता होती है, और सूक्ष्म जीव हैं वो तो हमारी मिट्टी में बनते ही रहते हैं। साथियों, गमला भर चुका है, अब इसमें हम थोड़ा पानी देंगे, और इसमें अच्छे से पानी देंगे जिससे कि जहाँ कहीं भी इसमें हवा है वो भी निकल जाए, और हमारी कहीं भी मिट्टी है सूखी ना रहे। साथियों, समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी, इसके लिए आप सभी वीडियो को देखते रहें। आपका सभी वीडियो देखना तब भी ज़रूरी हो जाता है कि कम समय में एक ही वीडियो में सारी जानकारी देना संभव नहीं होता है। अतः आप सभी वीडियो को देखें ताकि आप भी ज्ञान से अपडेट रहें। पानी से अब ये अच्छे से हमने पानी दे दिया है, और अब हम इसमें कसूरी मेथी के बीज लगाएंगे। ये कसूरी मेथी है, इसको नागौरी मेथी भी कहते हैं, और यह अपनी सुगंध के कारण जानी जाती है। इसकी ताज़ा पत्तियों की भी सब्जी बना सकते हैं, बाकी यह छांव में सुखाकर प्रयोग की जाती है। तो ये हम जंगली विधि से ही इसमें बीज को बखेरेंगे, इस तरह से इसमें बीज दूर 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 बखेर देते हैं। हालांकि अभी मौसम नहीं है मेथी का, गर्मी है, और इसलिए अभी हम इस पॉट को जब तक कि मेथी उगकर बाहर नहीं आ जाती है तब तक हम इसको यहाँ छांव में रखेंगे। तीन दिन में मेथी उग जाती है। बस ये हो गया, बस इतना सा ही बीज लगा है इसमें। अब इस पे हम मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग में आप इसमें पतली पतली घास या पतली पतली कोई भी चीज़ आपके पास होती है इस तरह की घास टाइप से, जैसे नरवाई वगैरह, तो वो आड़ी तिरछी जाल, एक जाल जैसा हमें बनाना होता है जिससे कि अंकुरण है वो इसका हो जाए, क्योंकि मेथी के बीज बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो ज़्यादा अगर हमारी घास पड़ गई और तो इसके अंकुरण में भी परेशानी आएगी, धूप और हवा वो भी हमारी बीज को नहीं लगेगी। इस तरह से हमें इसमें चारों तरफ मल्च कर देना है। अच्छे से मल्च हो गई है, और इसको हम ठीक से पानी ऊपर से और दे रहे हैं जिससे कि थोड़ी ये जम जाए और हमारा जो बीज है वो भी गीला हो जाए अच्छे से। बाकी ये नीचे से अपने आप गीला होता रहेगा, क्योंकि बायोचार यही काम करेगा। और ये हमारा एक अब बेस तैयार हो गया, और ये जब ये जो मेथी है ये 3-4 इंच की हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें बीज बोएंगे। बिना जुताई बिना बुवाई हम इसमें मुख्य फसल बोएंगे। साथियों, मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद। नमस्कार।